नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बनाऊंगी भरवा करेला। तो देखिए, इसके लिए मैं 4-5 करेले को पानी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के 5-7 मिनट के लिए बॉईल कर ली हूँ। बस हल्का बॉईल करना है इसे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। उसके बाद बीज वगैरह होते हैं सब मैं निकाल के ये मिक्सी के जार में रख रही हूँ, जिसे मैं मसाले के साथ पीसूंगी, प्याज वगैरह के साथ। देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे बीज नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें से बीज आप बाहर कर सकते हैं। ऐसे पीस के डालने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये करेला। तो यहाँ देख लीजिए, मैं अच्छे से पूरा इसका सब निकाल के हटा, अब मैं इसे मिक्सी के जार में रख दी हूँ। और इसी में मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज का प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक, 4-5 लहसुन की कलियाँ, बस इतना मैं इसमें डाल के अच्छे से पीस लूँगी। बाकी मैं पाउडर बेसिक मसाले यूज करूँगी। तो ये पीस के फिर मैं आपको गैस पे मिलती हूँ। तो देखिए, ये करेला है स्वादिष्ट, कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसे पहले फ्राई करूँगी। तो गैस पे ये मैं पैन इसमें 2-3 चम्मच तेल में ही ये फ्राई हो जाएगा। मैं यहाँ सरसों तेल में ही फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ और उसी में मैं करेला को डायरेक्ट डाल दूँगी। और मीडियम गैस पे इसे मैं बिल्कुल गोल्डन गोल्डन फ्राई करूँगी, सेलो फ्राई। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते। तो इसे फ्राई कर पलट पलट के 2-3 बार आराम से इस तरीके से बनाने से करेला बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसे 1/2 गिलास में पानी डाल के उबालने से इसका जो पौष्टिक तत्व है इसमें वो भी बेकार नहीं जाता है, सब बना हुआ रहता है इसमें। और पानी ये अपना सोख लेता है, बहुत थोड़ा सा पानी बचता है तो उसे हमें पी जाना चाहिए। हमारे सेहत के लिए वो पानी बहुत अच्छा होता है करेले का। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इसे और थोड़ा सी मैं कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे हो गया है गोल्डन फ्राई। ये 4-5 पीस और है बचा हुआ, तो बस इसे मैं फ्राई करूँगी। ये हो गया, इसे मैं निकाल रही हूँ। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके खाएं इस करेले को। बच्चे बहुत ही मन से खाएं, अक्सर करेले नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे करेले। आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इस तरह से करेला। आप बनाएंगे तो इसकी पौष्टिकता भी बरकरार रहती है। तो बस देखिए, जो बचा चार था वो भी मैं फ्राई कर ली हूँ, इधर निकाल ली हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें मसाला लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं मसाले के लिए 2 चम्मच तेल और डाल दी हूँ और उसमें मैं ये जो पेस्ट बना के रखी थी उसे मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ाई में। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं तड़के में अजवाइन डालूंगी। तड़के में आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैं यहाँ अजवाइन डाल दी हूँ। उसके बाद जो ये मिक्सी के जार में पिसा हुआ मसाला था, प्याज लहसुन वगैरह, वो सब मैं इसमें पेस्ट डाल दी हूँ एक साथ। अच्छे से ये फ्राई होगा। अभी इसमें जो और मिक्सी जार में हुआ मसाला है, उस सब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 4-5 चम्मच, और इसे मैं धो के इसमें डाल दी हूँ ताकि ये आराम से पकेगा। और इसके बाद मैं हींग इसमें 1/2 टीस्पून हींग डाल दूँगी, इसलिए ये स्वादिष्ट भी बनेगा और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो बस इसमें ज़रूर करें आप करेला वगैरह मसाले वाला बनाने से, उसमें अजवाइन और हींग हमें डालना चाहिए। तो बस ये देखिए, ये थोड़ा सा भुन गया है, हल्का इसमें तेल आपको लगेगा कि थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी टाइम हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। पाउडर मसाले में वही बेसिक हल्दी पाउडर और ये आमचूर पाउडर, यहाँ पे मैं 2 चम्मच डालूंगी। यहाँ आम, कच्चा आम भी पीस के डाल सकते हैं या आम का अचार भी मिक्स कर सकते हैं खटाई में। यदि आप खटाई नहीं चाहते हैं तो यहाँ खटाई नहीं भी डाल सकते हैं, फिर भी ये करेला बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। उबालते समय इसमें थोड़ा नमक डाला था, अभी फ्राई किया
इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए मसाला मैं यहाँ भून गया अच्छे से, तो मैं निकाल दी हूँ। और इसी में मैं इसका तड़का डालूंगी। तड़का में मैं सरसों से यहाँ पे तड़का डालूंगी। तड़का में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालना है इसमें, जिसमें कि हमारा तड़का के लिए जो जीरा या राई आप डालेंगे वो चटक जाए। तो मैं यहाँ पे तो तड़का डालूंगी। सरसों या राई आप जो डालना चाहें, मैं यहाँ सरसों डाल रही हूँ तड़के में। और ये करेला मैं भर ले रही हूँ। मसाला आप अपने हिसाब से इसमें भर सकते, यार तो मैं कम ही मसाला तैयार की हूँ इसलिए। तो बस ये मैं भरती हूँ इसमें दबा के, बिल्कुल भी मसाला इससे बाहर नहीं निकलेगा, अच्छा से चिपका रहेगा। इसको हम इसमें तड़के में डाल दिए हैं और इसे हम बाहर नहीं निकलेगा, अच्छा से चिपका रहेगा। इसको हम इसमें तड़के में डाल दिए हैं और इसे हम टॉस कर लेंगे आराम से। देखिए सब डाल के इसमें, और फिर मैं इसे तड़के से ही चम्मच से भी इसे पलट सकते हैं। इसमें जो तड़का डाला है सरसों राई का, वो अच्छे से इसमें चिपक जाएगा, इसका कोटिंग हो जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये खाने में और फ्लेवर भी देगा। तो इस तरह से आप डालें तड़का, देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ना। तो ज़रूर आप इस तरीके से एक बार बना करके ट्राई करें। ऊपर से इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जो इसके कवर छिलके वगैरह में थोड़ा नमक कम लगता है, तो ऊपर से थोड़ा डाल देने से मस्त जाएगा। और वो पहले से फ्राई तो है ही, फिर भी पहले ढक के रखेंगे तो आराम से मसाले वगैरह सब इसके अंदर चला जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इस तरीके से आप बना के देखेंगे तो। देखिए हो गया ना, तो अब इसे हम सर्व करेंगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है, ये रेसिपी पसंद आ रही है, हमारे सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखिए आज का डिनर बनाई हूँ, आप भी ज़रूर बना और इन्जॉय करें। आपके बच्चे ज़रूर बोलेंगे कि करेला ज़रूर बनाओ। तो देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया है यहाँ पे, आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे थाली लगा के दिखाती हूँ, ये है रात का डिनर हमारा। तो ये करेला और ये चटनी और ये चौलाई की साग है, लाल साग भी बोलते हैं इसे, और रोटी, बस सिंपल सा डिनर ये। और ये चटनी में मैं डाली हूँ आंवला, मूली, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, बकुप में स्वादानुसार नमक डाल दी हूँ। हो गया है तैयार। इस तरीके से आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।